हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आप लोग के लिए एक खास वीडियो लेके आए हैं। और आज के वीडियो में हम एक छोटा सा बुनसाई जो दिखा रहे हैं, ये बरगद का बुनसाई है। लगभग 2 साल का है ये, और 2 साल में हमने इस पे वर्क किया है। और ये छोटा सा पौधा था, उसको हम बुनसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगभग लगभग ये तैयार हो चुका है। और ये बरसात में एरिया रूट ये डेवलप करता है, तो कुछ कुछ पिछले साल एरिया रूट आ चुका है, अभी फिर से आने को है। और बोनसाई का आर्ट है, बहुत समय लगता है, काफ़ी साल लग जाता है इसको तैयार होने में। और हम बोनसाई का और भी कुछ कुछ खास वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आप लोग के लिए शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। अब हम इस प्लास्टिक पॉट से इसको हटा रहे हैं। लगभग साल भर से ज़्यादा, मतलब 1.5 साल के लगभग इसमें, इस पॉट में था, ये प्लास्टिक के पॉट में। इसको हम अभी रिपोर्ट करेंगे, और हम चाह रहे हैं कि अपने हाथों से बनाया हुआ पॉट में इसको लगाएंगे। तो रूट तो काफ़ी डेवलप हो चुका है, देखने पर पता चल रहा है कि एक जालीनुमा रूट इसमें बढ़ चुका है। और ज़्यादा हाथ से निकालने की कोशिश न करें, इससे रूट टूटने का संभावना हो सकता है। तो अच्छा होगा कि हम इसको पानी में डुबो दें या पानी से साफ करें, तो इसका जड़ टूटेगा नहीं। तो आप भी कोई सा भी पौधा को अगर निकालते हैं तो ऐसा मत निकालिएगा हाथ से। ये देख रहे हैं आप, पानी हम डाले तो ये सारा मिट्टी उसमें घुल के बाहर निकल गया, और फिर जड़ सुरक्षित है, मस्त। इसमें हम शुरू में ही जो मेन रूट होता है उसको काट चुके हैं। मेन रूट का काम ये होता है कि नीचे ज़मीन में जाके वो भोजन लाता है, वो सारा चीज़। तो हम पानी जो अंदर की ओर से ये खींच के लाता है, ये तो हम पॉट में पानी दे रहे हैं, तो इसमें मेन रूट की ज़रूरत पड़ता नहीं, इसलिए हम मेन रूट को काट देते हैं। अब इसमें हम फंगीसाइड डाल रहे हैं। मार्केट में खूब सारा अलग अलग कंपनी का फंगीसाइड अवेलेबल है, आप कोई सा भी फंगीसाइड यूज़ करें, और जिससे ये जिसकी जड़ें ख़राब नहीं होती हैं, फंगस वंगस नहीं आता है, फंगस वगैरह। और थोड़ा बहुत अगर सड़न आ गई होगी तो भी दूर हो जाएगा इससे। तो फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं आप, हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये जो पॉट देख रहे हैं इसमें हम रिपोर्ट करेंगे, और इस पॉट का सारा जानकारी हम डिटेल में आप लोग को बता चुके हैं पिछले वीडियो में, लिंक मैं शेयर कर दूंगा आई बटन में, ज़रूर इसको आप देखिएगा और सीखिएगा कि ऐसा पॉट कैसे। दोस्तों, बोनसाई बनाने के लिए क्या क्या सॉइल की ज़रूरत पड़ेगा हम आपको बता रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे गार्डन का सॉइल है, नॉर्मल मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी थोड़ा सा 20% रखेंगे, और नदी का रेत रखेंगे, ये रिवर है नॉर्मल, और उसी का ये बड़ा बुरादा है, बड़ा कंकड़ है रेत का, इसको हम छान के हमने इकट्ठा किया। और उसके बाद ये ईंट के टुकड़े हैं, इसका ईंट का ब्रिक्स काम आता है, ये पानी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। थोड़ा सा हमने कोकोपीट रखा है, नारियल का बुरादा है ये छिलके का, और ये हो गया राइस हस्क थोड़ा सा, ये सब पानी एब्जॉर्ब करने काम करता है, प्लस न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा देता है। दोस्तों, ये बोन मिल है, उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट, और ये है नीम के, ये जो कीड़े मकोड़े रहेंगे छोटे मोटे उसको सबको मार देगा ये। और ये है फंगीसाइड है, ये फंगीसाइड भी डालेंगे हम। अब इस पॉट में ये जो सॉइल मिक्सचर हमने तैयार किया है इसको पहले हम डाल रहे हैं। होल पर्याप्त होनी चाहिए, जब भी आप मार्केट से खरीदें या आप अगर पॉट बनाते हैं तो उसमें होल ड्रेनेज होनी चाहिए, जिससे पानी आसानी से बाहर हो जाए। और उसमें एक छोटा सा
ईंट का टुकड़ा या किसी चीज का टुकड़ा रखें जिससे मिट्टी बाहर ना हो, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। पहले हमने मिट्टी डाला, उसके बाद ये जो पौधा है उसको हम सेटअप तैयार कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। देखिएगा लुक कैसा था, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और बोनसाई का जो आर्ट है बहुत मजा आता है फ्रेंड्स इसको करने में, क्योंकि इसमें आप मनचाहा आकृति दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक ही बार में तो बनता नहीं है, धीरे 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 बनता चलता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। हर एक ब्रांच पे फोकस करने को बड़ा मज़ा आता है और अपने हिसाब से आप इसको एक ट्री का रूप दे सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट वर्क ये करेंगे कि इसके सारे पत्ते को हम हटा देंगे। कारण ये है कि अभी हमने इसका हार्ड रिपोर्टिंग किए हैं तो इसको सरवाइव करने में बहुत वक्त लगेगा, एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अगर हम इसके पत्ते हटा देते हैं तो ये आसानी से सरवाइव कर जाएगा, इसलिए सारे पत्ती हटा देंगे। और एक और कारण है कि अगर पत्ती हटाएंगे तो जब आने वाला पत्ती छोटा साइज आएगा, इससे पत्ती का साइज छोटा होगा तो बीच बीच में हम पत्ती हटाते चलते हैं जिससे पत्ती का साइज छोटा होता जाएगा और ये आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। इसलिए सारे पत्ती हम हटा दे रहे हैं जिससे आसानी से जिएगा। और तो इसको करीबन हम 15 दिन तक छांव वाली जगह में रखेंगे जिससे ये आसानी से संभल जाए। और कुछ कुछ ब्रांच को हम कटिंग कर रहे हैं जिससे अगर हम कटिंग करेंगे ब्रांच को तो वहाँ से और भी दो तीन ब्रांच निकलेगा और ये घना हो जाएगा, बूसी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा बरगद में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन बनाने में बड़ा मज़ा आता है बरगद का बुनजाई। और जहाँ जहाँ पे हमने कटिंग किया है वहाँ पे फंगीसाइड यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं जिससे नमी बना के रखता है, सूखने देता नहीं है। अब उसके बाद पर्याप्त मात्रा में पानी डाल दें, पानी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, सबसे ज्यादा पानी डालें ताकि बाहर पानी चला जाए, पूरी तरह से पानी डाल लें। और ध्यान रखिएगा कि लगभग 15 दिन तक हम इस पौधा को कड़ी धूप में नहीं रखेंगे, छांव वाली जगह में रखेंगे जहां पे पर्याप्त मात्रा में रोशनी आती हो। तो आज का बर्गर बोनसाई का रिपोर्टिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा वीडियो को फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें और चैनल जरूर विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।